हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय डीपेंडर सिंह हुड्डा जी, हमारे बीच में हमारे सम्मानित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन जी, राजा बरार जी, हमारे चेयरमैन राम अवतार वर्मा जी, योगेश सिंगल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे कैलाश कुमार जैन जी, हमारे राम गोपाल जी, नवीन कुमार जी और सभी जो आज यहाँ पे सभी व्यापारी स्वर्णकार भाई हमारे एक होके पूरे देश के जंतर मंतर पे इस भावना के साथ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपकी इस संघर्ष की भावना को अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत सलाम करता हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये आपकी जो संघर्ष अभी जैसे बताया कि इतने दिनों से चल रहा है, हरियाणा में भी एक एक जगह, क्योंकि मैं हरियाणा से लोकसभा का सांसद हूँ और कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में सचेतक के रूप में भी मैं कह सकता हूँ, हरियाणा में एक एक जगह एक एक शहर के अंदर आपके संघ संगठन पिछले 35-37 दिन से हड़ताल पे हैं। कई जगह मेरे को जाने का भी मौका मिला, बहादुरगढ़ में, झज्जर में, होडल में, पलवल में, कई जगह जो आप लोग बैठे थे हरियाणा में, वहाँ जाके आपकी बात सुन के समर्थन करने का मौका मिला, सही बात है। और आज हम सब पूरा कांग्रेस पार्टी का राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग सारे यहाँ पे आए हैं, तो एक ही बात लेके आए हैं कि जो आपकी मांग है वो पूरी तरीके से जायज मांग है और आपके समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये बात सही है कि 2012 में भी ये बात आई थी और उस समय ये एक प्रस्ताव आया था, उस समय हमने मिलके, मुझे याद है, एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ, मैं भी उस समय के वित्त मंत्री, आज के हमारे महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब के पास मैं स्वयं उस डेलीगेशन में गया था, मैं उस समय भी सांसद था और उस समय उन्होंने उस डेलीगेशन की बात को बहुत ध्यान से सुना था, सबने उसका साथ दिया था, हुड्डा जी ने, अजय माकन जी ने, सबने उस समय भी पैरवी करी थी कांग्रेस पार्टी ने। और बात सुनते ही प्रणब मुखर्जी साहब ने जब उसको वापस लिया तो कहा कि भाई ये एक प्रस्ताव जरूर आया था मगर देश के कोने कोने से जो आवाज़ है वो आवाज़ ये निकल रही है कि प्रस्ताव व्यापारी के, स्वर्णकार भाइयों के और जो कारीगर भाई हैं हमारे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, व्यापार के हक में नहीं है और इसे हम तुरंत फैसला करते हैं, इस प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला करते हैं। मैं समझता हूँ इस सरकार को भी वही फैसला करने की आवश्यकता है। वैसे तो बहुत से जहाँ भी जिस धरने पे मैं गया, हर जगह मुझे अलग अलग मांग पत्र मिला मगर एक मांग पत्र का मैं जिक्र खास तौर से करना चाहता हूँ। होडल में फरीदाबाद के आगे, आपको पता है पलवल होडल का जो अपना क्षेत्र है, होडल के स्वर्णकार यूनियन भाइयों ने एक मांग पत्र दिया, उस मांग पत्र के अंदर जो सारी बातें लिखी गई, जो मैंने वो बातें पढ़ी, उनको सोच के मुझे, मेरा वो भी इतना जानकारी नहीं थी, मैं सोचता था केवल एक्साइज की बात है, एक्साइज की बात नहीं, एक्साइज के बहाने इंस्पेक्टरी राज थोपने की बात है। जो एक्साइज की जो बात आई है उसके जो नियम बने हैं, नियम, उन नियमों में इस प्रकार की बात है जो होटल के मुझे शंकर भाइयों ने बताया, ये बताया 25 लाख की टैक्स चोरी पकड़ने पर 7 साल की कैद, नियम 25 के अनुसार गोल्ड का जेवर सील करने की पावर इंस्पेक्टर को दे दी गई है, टैक्स का भुगतान समय पर नहीं करने पर उतनी ही राशि की पेनल्टी, सेक्शन 11 के अनुसार 6 माह के लिए संपत्ति जब्त करने की पावर, अफसर की बात, ये तो बहुत खतरनाक है, अफसर की बात ना मानने पे 3 महीने की सजा, ये कैसा इंस्पेक्टरी राज है, अफसर की बात ना मानने पे 3 महीने की सजा। अब अफसर कुछ कह रहा है और अगर किसी व्यापारी की जायज बात है, इसका फैसला कौन करेगा, अफसर उठा के 3 महीने की सजा। तो और अपना इसी प्रकार से जो हमारा जो डाई काटने वाली दुकान पर हिसाब नहीं मिलने पर हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के हमारे महासचिव आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी पहुंचे हैं, इसका जोर से हम स्वागत करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी बातों को
कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर उठाएगी और मैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सचेतक के रूप में कह सकता हूं, अभी जब सेशन शुरू होगा 25 अप्रैल से, तो लोकसभा में इस बात को उठाएंगे। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं, लोकसभा में हमारा आंकड़ा केवल 44 हो सकता है, मगर जब किसान के खिलाफ भूमि अधिग्रहण बिल की बात आई थी, आपने देखा होगा, जब हम 44 अड़के खड़े हो गए तो सरकार ने कहा कि भाई चलने नहीं दे रहे, मगर तब तक हमने इस पार्लियामेंट नहीं चलने दी जब तक भूमि अधिग्रहण बिल का वापस नहीं हुआ। तो आपका भी, आपके लिए भी उसी भावना से लोकसभा जब सेशन शुरू होगा, तो मैं सांसद होने के नाते और सचेतक होने के नाते आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, उसी तरीके से हम इस बात को उठाएंगे और आपका एक बार फिर पुरजोर दोबारा से समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।